हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यह है डाइकिन वीआरवी का इंडोर, डक्टेबल टाइप इंडोर है। इस इंडोर के अंदर से साउंड आ रहा था तो मैंने मोटर चेक की तो ये साउंड बेयरिंग का था, तो मैंने डिसाइड किया मोटर निकालने का। लेकिन आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा रहेगा, ये वीआरवी एक बस के अंदर लगाए हैं। यह एक बस और यहाँ पर इन लोगों ने यह पूरा क्लोज किया था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है काटने के लिए, तो उन्होंने ये काट दिया है। और काटने के टाइम इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने हमारे पाइप भी काट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पाइप काट के 16 HP वीआरवी का पूरा गैस इन लोगों ने निकाल दिया। तो ये भी हमें रिपेयर करना है, हम इसे ब्रेजिंग करेंगे, बाद में नाइट्रोजन डाल के लीक टेस्ट करेंगे, फिर वैक्यूम करके गैस डालेंगे। वो तो काम अलग है, फिलहाल के लिए अभी हमने ये मोटर निकाली है और इसके अंदर से बेयरिंग का बहुत साउंड है। तो अभी यहाँ पे दूसरा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, क्योंकि मशीन का पीसीबी है उस तरफ, तो वहाँ पे जाके मुझे मोटर का
तो गाइज ये मोटर रिपेयर करके अभी 3 दिन हो चुके हैं। वर्कशॉप वालों ने बहुत केयरफुली इसकी बेयरिंग चेंज की है। इसके अंदर जो पीसीबी रहता है उसे हटा के बेयरिंग चेंज कर दी, फिर से पीसीबी को लगा दिया है। और आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे एक मार्किंग किया था ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए, तो अभी हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।